हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पहली इकाई के पहले पाठ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय का पहला जो परिभाषा है वो है स्थिर वैद्युतिकी, तथा उसके बाद हम जानेंगे विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। जैसे कि चित्र में समझाया गया है कि आप देख भी सकते हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार का है, धनावेश तथा ऋणावेश। तो हम किस प्रकार से वस्तुओं पर धनावेश तथा ऋणावेश उत्पन्न कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, तथा किस प्रकार से समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे वो सॉरी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी समझेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर विद्युतीकरण यानी आवेशन की व्याख्या, कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर ये जानेंगे कि जो हमारा पदार्थ का आवेशन है वो किस प्रकार से होता है। तत्पश्चात चालक तथा विद्युतरोधी पदार्थ क्या होते हैं तथा इनका हमारी भौतिक विज्ञान में क्या योगदान है, किसी पदार्थ के आवेशन के लिए उसका चालक या विद्युतरोधी होना किस प्रकार से निर्भर करता है, इसका हमें ज्ञात होगा। तत्पश्चात हैं स्थिर आवेशन की विधियां। स्थिर आवेशन के मुख्य रूप से तीन विधियां होती हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन तथा भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन मुख्य रूप से हम किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर रगड़कर हम आवेशित करते हैं, जैसे कि ऊन और प्लास्टिक की किसी छड़ को हम आपस में रगड़ते हैं तो ऊन के ऊपर तो धनावेश आ जाता है तथा प्लास्टिक के ऊपर ऋणावेश। इसी प्रकार से यदि हम एबोनाइट या रबड़ या एम्बर की छड़ को फर या ऊन के साथ रगड़ते हैं तो ऊन के ऊपर धनावेश तथा एबोनाइट या रबड़ की एम्बर की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। इसी प्रकार समान रूप से आप